सो गाइस, वीडियो बहुत मुश्किल से एडिट करके आप लोगों तक जो है पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं, क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। और ये फंक्शन की वीडियो है जिस दिन बारात आने वाली थी। मेहंदी में हम लोग नहीं गए थे, हम लोग आपको मेंशन कर दिया था, हम लोग नहीं मतलब मैंने आपको मेंशन कर दिया था कि मेहंदी में हम लोग नहीं जा पाए। तो अभी मैं रेडी हुई हूँ और यही वाली मैंने साड़ी डाल लिया है। पहले बहुत सोच रही थी क्या पहनूँ क्या पहनूँ, तो लास्ट में यही ऑप्शन निकल के आया था मेरे पास। तो ये साड़ी मैंने एक ही बार पहनी थी और 3200 या 3500 रुपए की ली थी मैंने। तो अब बस वेन्यू पे पहुंचने वाले हैं, और जहाँ पे हम पहुंचने वाले हैं यहाँ पे लाइन से ना सारे जो है बहुत ही बड़े 5 स्टार बैंकेट होते हैं ना, वो हैं जिनके एक दिन के चार्जेस ही 25 से 25 लाख से स्टार्टिंग होता है, 20 या 25 लाख से जहाँ तक मुझे पता है। और हस्बैंड भी बता ही रहे थे कि इतना ही चार्जेस है। तो देन उसके बाद पहुँच जाएंगे, और काफ़ी दूर था हमारे घर से कम 1.5 घंटे का रास्ता था, और हमें जल्दी निकलना था। लेकिन कोई बात नहीं, एक्चुअल में हम सही टाइम पे पहुँच गए थे। 9 बजे हम पहुँच गए थे और हमें पहुँचना 8 बजे था, लेकिन थोड़ा सा 1 घंटा लेट हो गया क्योंकि हमारी जो कैब थी ना वो बुक नहीं हो रही थी जल्दी। तो वेन्यू पे हम लोग पहुंच गए, और म्यूट इसलिए कर दिया है कि जो है आपको पता है फंक्शन वगैरह में म्यूज़िक चलता रहता है, तो कॉपीराइट का जो है इशू रहता ही रहता है। तो अभी जो है मैं खाना बना रही हूँ और 2 दिन की वीडियो क्लिप आपको बता रही हूँ और शेयर कर रही हूँ। और ये है मेरा बेटा, और अभी तक यहाँ तक तो ये ठीक था। इसके बाद जैसे ही खाना खाने की बारी आई ना, इसकी तबीयत जो है बहुत तेज कि इसको बुखार चढ़ना स्टार्ट हो गया था, और हम फटाफट इसको लेके वहाँ से भागे हैं। और हम यहाँ से जो है 11:30 बजे 11 साढ़े 11 बजे निकल गए थे। अभी आगे जाके आपको देखने को मिलेगा कि इसको जो है नींद आने लगी थी, बैठे बैठे कुर्सी पे सोने लगा था, गिरने लग गया था। तो हमने देखा कि इसको बुखार बहुत तेज़ की चढ़ रही, तो हम लेकर आ गए। और उस दिन से लेकर अभी तक इसका बुखार जो है उतरने का नाम नहीं ले रहा है, चढ़ रहा है उतर रहा है, चढ़ रहा है उतर रहा है। और बाकी आप लोग बताना कि कैसे लग रहे हैं हम लोग। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, हस्बैंड बोल रहे थे कि पहला ऐसा फंक्शन है जिसमें तू अच्छी नहीं लग रही है, मतलब अच्छी नहीं है, मतलब बोल रहे थे कि प्रॉपर वे में जिस तरीके से तू अपना काम करती है, मेकअप वगैरह करती है, उस तरीके से तू नहीं लग रही है। और ये बात हकीकत है, पता नहीं मन में क्या ऐसी टेंशन, बहुत सारी टेंशन चल रही है जिसकी वजह से मैंने कोई ढंग का मेकअप वगैरह नहीं किया था और ना कोई वीडियो वगैरह शूट किया था। तो बस वही आईलेंस वगैरह भी नहीं लगाया था मैंने, इस वजह से थोड़ा मेकअप और डाउन लग रहा था। फंक्शन वगैरह में लेंस वगैरह चलते हैं, और आप ये देख सकते हैं वेन्यू कितना बढ़िया था। आगे जाके बहुत ही प्यारा सा एक चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी, जो कि ढोल का जो सिस्टम किया था ना वो बड़ा प्यारा था, मतलब एक कुछ यूनिक देखने को मिला मुझे यहाँ पे। और ये मतलब कितने सारे कलर कलर के ड्रिंक थे, मतलब स्नैक्स तो इतने सारे थे ना कि स्नैक्स खा खा के ही पेट हमारा जो है फुल हो गया था। खाना खाने के लिए तो जगह ही नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा चावल सब्जी खाई थी, और खाना तो इतना टेस्टी इतना अमेजिंग था ना, मैं क्या ही बोलूँ। और ऐसे वेडिंग वगैरह में ना इतने सारे आइटम, वेडिंग हो तो ऐसी हो और मज़ा ही आ जाता है। ये वाला ढोल मैं आपको कह रही थी, मतलब एक कितने अच्छा इन लोगों का ड्रेस लुक था और कितना बढ़िया बजा रहे थे। काश मैं आप लोगों को सुना सकती, अगर सिर्फ ढोल की आवाज़ होती तो मैं ज़रूर सुना देती, लेकिन साथ में म्यूज़िक भी बज रहा था और गाना है यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, ढोल की म्यूज़िक ये लोग निकाल रहे थे, इतना ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा था ना, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, ऐसा लग रहा था कि जैसे सामने सलमान खान कहीं हो और उनका वही गा रहे हो, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे पता है सलमान खान सिंगर नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और कुछ यूनिक लगा, तो काफ़ी लोग देख रहे थे। तो देखो म्यूज़िक वगैरह डांस वगैरह का सिस्टम तो हर जगह होता है, जहाँ कुछ अलग देखने को मिले ना वहाँ की बातचीत ही अलग होती है। और सब कुछ मतलब सिस्टम से था, आपको मतलब कोई टेंशन नहीं है। ऐसी वेडिंग वगैरह ना मेरे को बड़ा पसंद है कि जाओ और खाओ पियो और इंजॉय करो और अपने घर वापस आ जाओ। बहुत प्यारे प्यारे मतलब प्यारे प्यारे बहुत अच्छे टेस्टी टेस्टी डिशेस थे, मैं सूट ही नहीं कर पाई।
इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं अपने खुद की शादी को। और यहाँ पे मैं ये दिखा रही थी कि यहाँ पे निशु की तबीयत जो है डिस्टर्ब हो गई थी और वो सोने लग गया था, और अभी मैं साथ खाना भी बना रही हूँ और साथ के साथ एडिटिंग भी कर रही हूँ। तो चलिए अब घर पहुँचते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। पता नहीं लास्ट टाइम भी भाजी का डब्बा मिला था, फिर से भाजी का डब्बा मिला। क्या मिला है भाजी के डब्बे में? भाजी का डब्बा, कितने सारे स्वीट्स हैं। सॉस और चटनी किस लिए है? चटनी अगर मिठाई अगर कुछ भी अगर खा रहे हैं, अगर कुछ भी अगर हम नॉन वेज खा रहे हैं या फिर बर्गर पिज्जा खा रहे हैं तो अगर सॉस नहीं है हमारे पास। ये पिछली बार भी यही वाला मिला था डब्बा जिसमें मैंने अपना ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर बनाया था। नहीं होगा उसमें पैकेट